हेलो जैन वंदे मातरम मेरे साथियों, महेंद्र सम्राट आपके पिछल पर लेकर आया हूँ पर्यायवाची की बेस्ट ट्रिक। कम समय में ज्यादा पर्यायवाची कैसे याद करने हैं उसकी ट्रिक लेकर आया हूँ सभी इनको याद करेंगे। अगर हम बात करते हैं पर्यायवाची जल से, हम कैसे कमल के पर्यायवाची बना सकते हैं, आप सभी कहेंगे सर जल में जय लगा दो, जय लगा दो सब में, जल के पर्यायवाचन में सभी कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे भाई? कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। क्या सर ऐसा भी है? बिल्कुल ऐसे हो सकता है। अगर जल में अगर आप लास्ट में जय लगा दोगे सब किसके हो जाएंगे? कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। देख लो जल किसका होता है? कमल का पर्यायवाची होता है। बारिज कमल का होता है, अंबुज कमल का होता है, तोयज कमल का होता है, नीरज कमल का होता है, सलीलज कमल का होता है, उद्गज कमल का होता है, ये सब कमल के होते हैं। अगर यहाँ नेक्स्ट बात मैं करता हूँ अगले पर्यायवाची की, आप सभी कहेंगे सर लक्ष्मी के पर्यायवाची कैसे बनाएंगे, क्या इसकी भी कोई ट्रिक है? बिल्कुल ट्रिक है। आपने देखा कमल के पर्यायवाची में अगर आप जोड़ दोगे तो किसके हो जाएंगे? लक्ष्मी जी के पर्यायवाची हो जाएंगे। जैसे कमला आ जोड़ दिया, बारिजा आ जोड़ दिया, उदकसा आ जोड़ दिया, तोयजा आ जोड़ दिया, सलीलजा आ जोड़ दिया, नीरजा किसका आ जोड़ दिया। उसके बाद विष्णु प्रिया, विष्णु जी की पत्नी होती है कौन? लक्ष्मी जी। हरि प्रिया कौन? लक्ष्मी जी। अगर बात करता है श्री लक्ष्मी जी का है, रमा लक्ष्मी जी का है, पद्मा लक्ष्मी जी का है, अंबुजा लक्ष्मी जी का है, क्योंकि पद्म जो होता है कमल का पर्यायवाची होता है, पद्म में आ जोड़ दिया तो पद्मा किसका हो जाएगा? लक्ष्मी जी का हो जाएगा। यहां तक आप सभी समझ चुके होंगे। अगर नेक्स्ट मैं बात करता हूं लक्ष्मी के पर्यायवाची से कैसे हम विष्णु जी के पर्यायवाची बना देंगे, आप सभी जानते हैं। यहां देखिए अगर लक्ष्मी से विष्णु जी के बनाने हैं तो नाथ जोड़ दो, बल्लभ जोड़ दो, पति जोड़ दो, आपके पर्यायवाची बन जाएंगे कौन के? विष्णु जी के। यहाँ देख लो विष्णु के पर्यायवाची बनाने कमला पति विष्णु जी का होता है, कमला नाथ विष्णु जी का होता है, कमला बल्लभ विष्णु जी का होता है, जलजा नाथ किसका होता है? ये हो जाएगा आपका विष्णु जी का। बारिजा नाथ किसका हो जाएगा? विष्णु जी का हो जाएगा। बारिजा बल्लभ विष्णु जी का हो जाएगा। बारिजा पति विष्णु जी का हो जाएगा। अगर बात करता है श्रीपति, श्री लक्ष्मी जी का होता है, श्रीपति किसका हो जाएगा? विष्णु जी का। रमापति विष्णु जी का हो जाएगा। इंद्रपति किसका हो जाएगा? विष्णु जी का हो जाएगा। यहां तक आप सभी समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से, बेहतर तरीके से। नेक्स्ट अगर बात करता हूं यहां पर जल से बादल के पर्यायवाची कैसे बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल जल के पर्यायवाची, सभी आप सभी समझ गए होंगे जल के पर्यायवाची हैं। तो यहां पर सब में दह लगा दो, सब में क्या करना है आपको? दह लगा देना है। क्या लगा देना है? दह लगा देना है, 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 दह लगा देना। पर्यायवाची किसके बन गए? तो ये बन गए आपके बादल का पर्यायवाची। जैसे बारिद बादल का होता है, उदकज उदकद किसका बादल का होता है? अंबुद बादल का होता है, तोयद बादल का होता है, नीरद बादल का होता है, जलद बारद का होता है, सलीलद बादल का होता है। आप कहेंगे सर बादल के तो आपने बना दिए, समुद्र के और बना करके दिखाइए। समुद्र के ऐसे बनेंगे, सब में धी जोड़ दो, इसमें धी जोड़ दूंगा तो ये समुद्र का हो जाएगा, इसमें धी जोड़ दूंगा तो ये भी समुद्र का हो जाएगा, अगर इसमें धी जोड़ दूंगा तो ये भी समुद्र का हो जाएगा, अगर इसमें धी जोड़ता हूं तो ये भी समुद्र का हो जाएगा, अगर इसमें धी जोड़ता हूं तो ये भी समुद्र का हो जाएगा, अगर इसमें धी जोड़ देता हूं तो ये भी समुद्र का हो जाएगा, और इसमें धी जोड़ता हूं तो ये भी समुद्र का हो जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी समझ गए होंगे। ऐसी ही बेस्ट ट्रिक पाने के लिए, ऐसी शानदार ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दें, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक को लेकर आनी है। जय हिंद सभी वंदे मातरम।